पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में अगली पारी का बज गया बिगुल, क्या 2025 में फिर से आएंगे सीएम नीतीश? नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की तमाम बड़ी पार्टी अभी से ही तैयारियों में जुट गई है। आपको बता दें, किसी को लेकर सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीते दिनों एनडीए की एक बैठक बुलाई गई। एनडीए की इस बैठक में यह तय किया गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा और 2025 में एक बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं को एक साथ बैठाकर कई निशाने साध लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कई सालों से बिहार में सरकार किसी भी गठबंधन की रही हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में एनडीए की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में एनडीए में शामिल घटक दलों के प्रमुख नेता शामिल हुए थे। इस बैठक में हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी को आमंत्रित नहीं किया गया था। वहीं इस बैठक में नीतीश कुमार ने अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इसके लिए उपस्थित सभी दलों की सहमति प्राप्त की। वैसे इससे पहले भी भाजपा सहित अन्य दलों के नेता इससे संबंधित बयान देते रहते थे, लेकिन बैठक में सभी ने एक स्वर में इसकी पुष्टि कर दी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कहते भी हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम बेहतर समन्वय के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे, इसमें किसी को गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए। इस बैठक के जरिए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने विरोधियों को भी एनडीए के एकजुट होने की ताकत दिखाई। बैठक में एकजुटता पर सबसे अधिक जोर रहा और सभी ने एक स्वर में साझा कार्यक्रम चलाने और एनडीए के कार्यकर्ताओं में बेहतर समन्वय बनाने की बात कही। बैठक में एनडीए के नेताओं को बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 220 से 225 सीटों पर जीत का लक्ष्य देते हुए नारा दिया गया। वहीं 2025 में 225 फिर से नीतीश, इस नारे ने साफ कर दिया कि अगला विधानसभा चुनाव नीतीश के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वहीं जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार की पहचान एक कुशल राजनीतिज्ञ ही नहीं, एक रणनीतिकार के रूप में भी होती है। उनके बिहार के प्रति समझ गजब है। गौर से देखिए तो वो समय समय पर अपनी रणनीतियों में बदलाव करते रहते हैं। एक बार फिर एक रणनीति के तहत एनडीए की बैठक बुलाकर न केवल एकजुटता का संदेश दिया बल्कि अपनी स्थिति भी मजबूत कर ली। हालांकि विपक्ष ने इस बैठक को फ्लॉप बताया है। राजद की सांसद मीसा भारती कहती हैं कि कई घटक दलों के अध्यक्ष इस बैठक में उपस्थित नहीं थे। उन्होंने कहा कि सीनियर नेता ही नहीं आए तो ये किस तरह की बैठक थी, इसका मतलब ये हुआ कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वही बैठक में गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी की उपस्थिति पर उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह आजकल बड़े नेता थोड़े नहीं है, सम्राट चौधरी को तो पार्टी ने खुद साइड लाइन करके रखा है, उनके बारे में क्या बात की जाए। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक बुलाई थी जिसमें जिन नेताओं को उपस्थित होना चाहिए था वो तो मौजूद ही नहीं थे। तो देखिए, बीते सोमवार को नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए की बड़ी बैठक बुलाई गई थी जिसमें 2025 के चुनावी रणनीति पर बातचीत हुई और इसी दौरान विपक्षियों ने भी इस बैठक को लेकर जोरदार हमला बोला। विपक्ष का कहना है कि कई बड़े नेता हैं जो उस बैठक में नहीं शामिल हुए और इसको लेकर ये कहा जा रहा है विपक्षियों की तरफ से कि एनडीए के अंदर खाने में सब ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि एनडीए की जो बैठक हुई थी उसमें एनडीए की एकजुटता पर ज्यादा ध्यान दिया गया। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही, आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।